बच्चों तो आज जो है चैप्टर 7 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम की हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कहीं से भी आ जाए, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, सबका सब सॉल्व उससे हो जाएगा। ओके ठीक, तो अब हम देखेंगे ठीक उसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। 6 पार्ट बने थे नर्वस सिस्टम के और उम्मीद ये करते हैं कि इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मैक्सिमम 3 या 4। देखो बच्चे कहते हैं बहुत सारे पार्ट बन रहे हैं, तो मजबूरी ये है कि पार्ट्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि अब सिर्फ डिप्लोमा एग्ज़ाम तक नहीं रह गए आप, आगे तक की बात है ना। एग्जिट एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे हायर स्टडी करने वाले, अब कुछ भी, अब जब हम कार्डियोवैस्कुलर पढ़ेंगे तब कार्डियोवैस्कुलर के लिए चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे डिप्लोमा का देने जाओ, चाहे बीफार्म का देने जाओ, कहीं भी कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ये एक टारगेट बना के चलो, आधे घंटे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ जाए बस इतने तो फ़र्क आएगा कि आधे घंटे का वीडियो कम पड़ सकता है अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज कर दूँ तो, लेकिन बहुत कुछ आपका छूट सकता है। ठीक, अब देखो भाई कार्डियोवैस्कुलर की बात कर रहे हैं, किसकी? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो भाई किससे मिलकर बना है? कार्डियो प्लस वैस्कुलर सिस्टम। क्या है? वैस्कुलर सिस्टम से मिलकर बना है हमारा कार्डियोवैस्कुलर। अब भाई कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है ब्लड प्लस वेसल्स, है ना। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कई चीज़ों से मिलकर बना, तभी तो सिस्टम है। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर ये बना हुआ है, उसी को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम बेसिकली हार्ट की कंप्लीट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है, जो वॉल्व्स लगी हुई हैं, किस तरह से इसका कंडक्शन सिस्टम होता है, कैसे कैसे काम करता है, ये सारी बातें एक्स वाई जेड हार्ट के बारे में हम इसमें जानेंगे। अब हम पहले भी कई बार वीडियोस में बात कर चुके हैं कि आपका जो हार्ट है ये सबसे वफादार नौकर होता है। बॉडी के किसी भी कोने में किसी भी सेल को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो पहुंचाने का काम करता है हमारा हार्ट। एवरी सेल इन द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट्स। पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। उन सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस होते रहते हैं, और उन सब चीज़ों को करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन सेल तक कैसे पहुँचेगा? पहुँचेगा ब्लड के थ्रू। ब्लड कैसे पहुँचेगा? ब्लड को पंप करने के लिए, प्रेशर से पंप करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है, वो मशीन हार्ट होती है। बच्चों जब से मीन्स जब से जन्म हुआ या उसके पहले से, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेके जब तक जिंदा रहोगे, ये एक ऐसी मशीन है जो शुरू से लेके आखिरी दिन तक आपके साथ रहेगी और बिना रुके उसी स्पीड से काम करती रहती है। तो जो वफादार इतनी ज़्यादा है, जिसके रुकने से आपका जीवन रुक जाएगा, जो इतनी वफादार है, तो उसके लिए थोड़ी वफादारी आपको भी दिखानी चाहिए। कहने का मतलब जो चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस भी बताएंगे, क्योंकि इसके डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्यों होती है, तो वो प्रॉब्लम ना हो उनके लिए प्रिकॉशन लेके रखिए। ठीक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, फूड की सप्लाई करता है, किसको? बॉडी की सारी सेल्स को। अब जब फूड की सप्लाई करता है तो फूड, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या है? उसका डिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक उसी तरह से सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स यानी खाना लेकर जाता है हमारा ब्लड, उसके बाद ब्लड में मेटाबॉलिज्म, ब्लड लेके जाता है सेल्स तक, सेल्स में होता है मेटाबॉलिज्म, और वहाँ भी बहुत कुछ अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब मटेरियल होता है जिसको वापस फिर से ब्लड लेता है और ब्लड लेके बॉडी से बाहर तक कराने का काम
करता है, राइट। कहने का मतलब ब्लड बॉडी का प्यूरिफिकेशन का भी काम कर रहा है। भाई जाहिर सी बात है, गुड मटेरियल यानी फूड लेके जा रहा है सेल्स तक, और उनके पास जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो गैसियस के फॉर्म में हो, चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे आपका जो भी बना हुआ बाई प्रोडक्ट हो उसके फॉर्म में हो, वो सब कुछ बॉडी से बाहर कराने का काम करता है हमारा ब्लड, ठीक। इट वर्क्स टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बॉडी के अंदर का सबसे बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट। मींस इसका जो मैकेनिज्म है एकदम परफेक्ट है। कुछ भी इधर से उधर ले जाना हो या उधर से इधर लाना हो, एक ही है, ब्लड स्ट्रीम में डाल दीजिए, जहाँ पे पहुँचना जिस टारगेट ऑर्गन तक, उस टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाता है। भाई कैल्शियम की हमने टैबलेट खाई, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वहाँ वहाँ पे जाके उसका डिपोजिशन हो जाएगा, राइट। तो ट्रांसपोर्ट किसका किसका करता है भाई, ऑक्सीजन का हो गया, अदर न्यूट्रिएंट्स का हो गया, कहाँ पे, ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ इन द बॉडी। एक और क्या करता भाई, एक्सचेंज करता है, रिमूव करता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टिंग देम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जहाँ से वो जाता है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम ब्लड करता है। वाइटल रोल बॉडी का मेन क्या है, होम्योस्टेसिस। मीन्स बॉडी की जो डिमांड है वो डिमांड पूरी करने का काम करता है ब्लड। मीन्स जैसे ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए किसी भी रीज़न से, तो ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, आप सांस लेने की कैपेसिटी, सांस जल्दी जल्दी आदमी लेने लगता है, गैसियस एक्सचेंज बढ़ा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन लेके वहाँ पे जो एल्वोलाइज है वहाँ पे, उस पे क्या होने लगेगा, गैसियस एक्सचेंज होने लगेगा, ठीक। तो इस तरह का काम हमारा कौन करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम बात कर लें थोड़ी सी एनाटॉमी और बाकी की फिजियोलॉजी की, है ना। एनाटॉमी की अगर हम बात करें हार्ट की, तो रफली, कैसा रफली मतलब बहुत स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा रफ स्ट्रक्चर होता है, और कैसा, कोन शेप्ड होता है। कैसा अगर हम बात करें तो हार्ट हमारा कैसा, कोन शेप्ड इस तरह का होता है, जिसको जैसे जो नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपेक्स, और ये जो ऊपर का ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेस। कैसा होता है, देखो ध्यान रखो, कैसा कोन शेप्ड होता है, हॉलो होता है, खाली होता है, मस्कुलर पंप, मस्कुलर पंप मसल से बना हुआ एक पंपिंग सिस्टम है, ओके। अब लोकेटेड कहाँ होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो ध्यान से समझो, देखो ये हमारा एक लंग हो गया, है ना, और ये हमारा दूसरा लंग हो गया। अब कैसे कहेंगे कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं बात करूं अपनी, तो मेरा ये क्या है, मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, आपका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट। अपनी जगह से जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे सामने वाले का लेफ्ट राइट ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब हमारा ये राइट है लेकिन जब हम लिखेंगे तो कॉपी हमारे ठीक सामने होती है। फिर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो जो आपका राइट ठीक, जो आपका सिस्टम है उसका उल्टा लिख दो। मींस हमारा ये राइट है तो हम कॉपी पे जो लिखेंगे इसको राइट लिखेंगे, यानी ये राइट साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, क्लियर। जो हमारा भाई जाहिर सी बात, हम इधर खड़े हैं, ये राइट ये लेफ्ट है, आप सामने अगर खड़े कर दोगे कॉपी को या आप खड़े हो जाओ तो आपका, मेरा ये राइट तो आपका ये राइट होगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जो सिस्टम आपका है कॉपी पे उस ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये राइट साइड का लंग है ये कैसा है, लेफ्ट साइड का है। जो राइट साइड का लंग्स होता है इसके तीन लोब होते हैं, कितने, थ्री लोब होते हैं, ध्यान रखना इसको, ये साइज में बड़ा होता है। जो लेफ्ट साइड का होता है यहाँ पे क्या होता है, एक नॉच टाइप का होता है, क्या बोलते हैं इसको, नॉच, नॉच कौन सा नॉच, नॉच इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी जगह पे आपका कुछ इस तरह का हार्ट होता है, ये है हार्ट, ओके। तो
तो हार्ट कहाँ पे है? लंग्स पे, जो लेफ्ट साइड का लंग है उसके उसके बगल में ऐसे नॉच होता है, उसी के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, थोड़ा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड को, इसीलिए बोलते हैं क्या, हार्ट किधर, लेफ्ट साइड में है, राइट। उसके पीछे का लॉजिक जो, और हाँ, जो लेफ्ट लंग होता है इसके दो लोब होते हैं, राइट के तीन लोब होते हैं। जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो हार्ट किधर है अगर पूछा जाए, तो लेफ्ट लंग के नीचे जो नॉच होता है, जिसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, वहीं पे सिचुएटेड होता है। अब एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, तो स्पेस बिटवीन स्टर्नम, क्या ये है हमारा, क्या स्टर्नम, स्टर्नम और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम, क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम, उसी मीडिया स्टेनम, और ये थोरेसिक कैविटी में होती है, इसी मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। एग्जैक्ट पोजीशन विद इन मीडिया स्टेनम, स्पेस क्या है, बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक इसके बीच में होता है। तो और क्या है भाई, हार्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लंग्स एंड रेस्ट ऑन डायाफ्राम। अब देखो यहीं पे नीचे ये डायाफ्राम हो गया, तो लंग्स के जस्ट नीचे जो नॉच है वहीं पे हार्ट है, और हार्ट रेस्ट कर रहा है किस पे, जो डायाफ्राम हमारा है, जहाँ से स्टमक शुरू होता है, ठीक। तो थोरेसिक कैविटी, देखो दो तीन चीज़ें याद रखना, एक मीडिया स्टर्नम कोन शेप्ड, ठीक, किस कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में है, ठीक है, और क्या है, हाँ, कहाँ पे है, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स एंड रेस्ट ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम पे रेस्ट कर रहा है आपका। अब इसका थोड़ा साइज वाइज की बात कर ले हम, साइज का इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर लंबा है, इंच में बात करें तो 5 सेंटीमीटर, दोनों तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 9 सेंटीमीटर या 3.5 इंच का चौड़ाई है उसकी, 9 सेंटीमीटर या 3.5 इंच की चौड़ाई है, 6 सेंटीमीटर या 2.5 इंच की इसकी थिकनेस है, ध्यान रखना इसको भाई, ये डेटा ध्यान रखना, 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर क्या है भाई वाइड, और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस, ध्यान देना इन चीज़ों को, ओके, ठीक। अब भाई हार्ट का साइज क्या होता है, देखो ऐसे करो मुट्ठी, ऐसे करो और ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फिस्ट, क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फिस्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लोज्ड फिस्ट है, इसी का साइज, इसी के साइज का आपका होता है हार्ट, कहाँ पे है, मीडिया स्टेनम में, ओके। तो कभी भी बात करें किसकी, तो अबाउट टू लगभग इस साइज का, शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन साइज यही रहता है, यहाँ पे ऐसे रखो ठीक, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, तो यही पोजीशन है आपके एग्जैक्टली हार्ट की, ध्यान से फील करने की कोशिश करो। ये क्यों बताया जाता है, क्योंकि अभी हम आगे जब CPR पढ़ेंगे, जो फर्स्ट एड का एक पार्ट है, उस लोकेशन को कहाँ पे पंप करना है वहाँ पे जरूरत पड़ती है इसकी, ओके। तो किस तरह का होता है भाई, पर्सन्स क्लोज्ड फिस्ट, ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वजन की बात करें, तो फीमेल्स का दिल थोड़ा सा हल्का होता है, क्या होता है, फीमेल्स का दिल थोड़ा हल्का होता है, 225 ग्राम का होता है, और एडल्ट का वेट क्या होता है, एडल्ट का जो हार्ट का वेट होता है वो 300 ग्राम यानी 300 ग्राम, लगभग 75 ग्राम ज़्यादा, ओके। तो फीमेल्स में 225 ग्राम और मेल्स में 300 ग्राम का साइज भाई वेट होता है किसका, हार्ट का। तो ये बात हुई का है कि भाई हार्ट की थोड़ी सी। अब देखो बात कर रहे हैं कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन का, जिसको हम बोलते हैं CPR, रेसुसिटेशन या रेसुसिएशन, जो भी बोल लो आप, है ना, कार्डियोपल्मोनरी। इसमें होता क्या है, पेशेंट को कभी हार्ट अटैक आ गया किसी भी रीजन से, किस रीजन से आ सकता है, कौन कौन सा रीजन, हम आगे डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स में। अब आ गया पेशेंट, क्या है, फेंट होने लगा, बेहोश होके गिरने लगा, ठीक। तो पहले तो हम क्लोज्ड फिस्ट ठीक बना देख लिए, इस पोजीशन पे हमारा हार्ट है या सामने वाले का है, दो तरीके होते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है या फिर क्या है CPR। कैसे, जो अब देखो पोजीशन, जैसे ये देखो ये ध्यान से,
ये बनाया है हमने किस तरह से, ऐसे करो राइट, इस तरह से करके नीचे ऊपर ऐसे रहेगा इस तरह लाइक दिस है, ठीक हार्ट के ऊपर रखो और ऐसे करके पंप करना। अब कहो हम ऐसे करके पंप क्यों नहीं कर सकते, अब ऐसे करके अगर पंप करोगे तो अगल बगल स्टर्नम है जो टूट सकती हैं, टूट के हार्ट के अंदर घुस जाएंगी तो समस्या बढ़ सकती है। ओके, तो पूरी ताकत नहीं लगानी, और ये इमरजेंसी सिचुएशन में है, पेशेंट गिर गया है, तो ये तब तक करते रहना है जब तक कोई मेडिकल सर्विस या मेडिकल सुविधा ना मिल जाए पेशेंट को, ठीक, तब तक करते रहिए। तो ये क्या है, एक फर्स्ट एड का पार्ट होता है CPR, ये लाइफ सेविंग टेक्निक होती है, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो किसी की भी जान बच सकती है, ठीक। तो ये CPR की बात हो गई भाई। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हार्ट की, किसकी बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे, क्योंकि हार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात थोड़ा सा, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे हार्ट का, इस चीज को ध्यान से समझना भाई। ओके, ये थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा टिल्टेड है किसकी तरफ, लेफ्ट साइड में, ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्या है, थोड़ी सी ये मसल्स हो गई हमारी लाइक दिस, ओके, ये ऐसे हो गया, फिर लाइक दिस, इस तरह से ध्यान से देखो बनाते चलो। बना मैं सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि भाई आपको क्या है, एग्ज़ाम में बनाना तो पड़ेगा ही है ना, इस तरह से करके ये ऐसे, ओके। ये क्या है हमारा, नीचे के वेंट्रिकल्स का पार्ट है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये लाइक ऐसे ऐसे, और ये कुछ इस तरह से, चूंकि 3D नहीं है हमारे पास सर्विस, इस तरह से ऐसे करके ये बना दिया हमने, ओके। अब ऐसे ये एक वॉल्व ये हो गई, एक वॉल्व ये हो गई, एक वॉल्व ये हो गई, ओके, ये हो गई भाई काहे की बात, वेंट्रिकल की बात। अब इसको निकालो लाइक दिस, ये ऐसे करके, ओके। अब हम बात करेंगे ऐसे, ठीक, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा हार्ट है, ये हो जाएगा हमारा एट्रिया, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा वेंट्रिकल। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहला काम लेफ्ट और राइट, ये क्या होगा भाई, हमारा तो लेफ्ट लेकिन फिगर का राइट, यानी कि ये साइज क्या हो जाएगी, राइट ऑरिकल, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी चीज क्लियर, इतनी चीज क्लियर, ठीक। अब देखो ये हो गया वेंट्रिकल, हो गया आर्टरिया, हो गया, ये एक वॉल्व प्रेजेंट है, ये वॉल्व कौन सी है, ये किसमें है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच की वॉल्व है, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों बोलते हैं बाइकस्पिड, थोड़ा सा एक फिगर देख लो, उसके बाद इसको भी, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व, ठीक। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या शेप होता है, सब बात करेंगे। पहले एक रफ सा स्ट्रक्चर देख लो, ये कौन सी वॉल्व है भाई, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, कैसा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हो गया भाई, है ना। ये क्या है आपकी, ऊपर ये है सुपीरियर वेना केवा, कौन सी, सुपीरियर वेना केवा, ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, कलर चेंज कर देते इसका, है ना, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, एक मिनट, जस्ट सेकंड। अब ध्यान से समझो, ये कौन सा है, ये है हमारी एओर्टा, क्या है, एओर्टा किधर से निकली है, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली है, निकली कि नहीं निकली, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली, ये कहाँ जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी, ठीक। और ये जो निकला है, ये क्या है भाई, दिस वन, ये क्या है, ये है हमारी
पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, है ना, कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। ये पल्मोनरी, ये कहाँ तक जाएगी, लंग्स तक जाएगी, ठीक। अब इतनी बात हो गई, अब ये होगा, और ये कौन सी ओपनिंग है, ये है पल्मोनरी वेन, क्या है, पल्मोनरी वेन, ओके। तो इतनी सारी बातें हमने कर ली, ये एक रफ सा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, थोड़ा सा एक खाली आइडिया देने के लिए, ठीक। अब देखो, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जब ब्लड फ्लो होता है नीचे अट्रिया से वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल से अट्रिया में ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, उसके लिए बनी है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। इन्फीरियर वेना केवा का क्या काम होता है, ये लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जो आपका ये राइट साइड है, इधर हमेशा रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। और जो लेफ्ट साइड रहेगा, उधर रहेगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतनी चीज़ ध्यान रखो। और एक चीज़ खा, जो आपके एट्रिया होते हैं, जो आपके एट्रिया हैं, इनको क्या बोलोगे, इनको बोलते हैं रिसीविंग चैनल, रिसीविंग सिस्टम या रिसीविंग चैनल। फिर ठीक उसी तरह से वेंट्रिकल की बात करो, तो वेंट्रिकल्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्यों, क्योंकि देखो एट्रिया क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लोअर बॉडी पार्ट का या अपर बॉडी पार्ट का, इसी तरह जैसे सुपीरियर वेना कावा का करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी पार्ट का किसमें भेजता है, एट्रिया में। तो एट्रिया क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लोअर बॉडी पार्ट, और अपर बॉडी पार्ट को देता किसको है, राइट एट्रियम को। उसके बाद राइट एट्रियम से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल जब भर जाता है तो राइट वेंट्रिकल क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी पूरी बॉडी में, ये एक ऐसी आर्टरी है, देखो आर्टरी का काम क्या होता है बेसिकली समझो भाई, आर्टरी के काम की बात अगर की जाए तो ये क्या करता है, हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाता है ना, यानी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, अवे फ्रॉम हार्ट, ये किसका काम है, आर्टरी का काम होता है। तो अब ये यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये देखो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, और पूरी बॉडी में अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। अब पल्मोनरी आर्टरी नाम से पता चलता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करती है, और पंप कहाँ तक ब्लड जाता है, लंग्स तक जाता है। थोड़ा सा और देखते हैं, देखो अब की बार थोड़ा और सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। ये देखो चार चैम्बर हमने बना लिए, फिर सबसे पहला काम जो हमारा हाथ है ठीक उसका उल्टा, भाई ये हमारे ये क्या है, राइट ऑरिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। अब ध्यान से समझो, ये क्या हो गई आपकी इन्फीरियर वेना केवा, ये क्या हो गई सुपीरियर वेना केवा, और एक और होता है कोरोनरी साइनस, क्या होता है कोरोनरी साइनस, ये क्या है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इनको सुपर वेन भी बोलते हैं, ठीक। ये क्या है हमारी इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब राइट वेंट्रिकल से जो निकली है इसको क्या बोलोगे, यह है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, ओके। यह पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी जाएगी आपके लंग्स में, लंग्स में क्या होगा, इधर क्या है राइट वेंट्रिकल में क्या है
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड गया किधर, ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा यानी ऑक्सीजनेशन होगा। लंग्स में क्यों जाएगा, फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा लंग्स में। उसके बाद क्या करेगा, लंग्स से फिर निकलेगी वेन, वो जाएगी वो किधर ब्लड को देगी, ब्लड को देगी लेफ्ट एट्रियम में। ये जो वेन निकली है इसको क्या बोलोगे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, पूरी बॉडी में आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स का काम क्या होता है। देखो दो चीज़ें ध्यान रखो, एक कोई भी आर्टरी होगी वो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी, ठीक, और कोई भी वेन होगी उसका काम क्या है, ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेके आएगी, मींस हार्ट की तरफ। वेन क्या करेगी, हार्ट की तरफ लेके जाएगी, और आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाएगी, ठीक। आर्टरी में हमेशा ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। वेन्स में कैसा रहता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि ये लंग से निकलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और किधर देती है, लेफ्ट ऑरिकल में देती है। बात समझ गए, यही है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर ध्यान दिया जाए। देखो आगे हम पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन आपके टॉपिक में है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है और लेफ्ट ऑरिकल पे खत्म होता है, यही है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर ध्यान दिया हो तो। क्लियर, ये बात हो गई भाई। अब हम बात करें थोड़ी सी, देखो ये हार्ट है ना, ये देखो ये एओर्टा हो गया जो ब्लू है, ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड मतलब बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, इतनी चीज क्लियर। अब देखो लेफ्ट पार्ट जो जो ये आपका है ये कैसा है, ये राइट पार्ट है, राइट साइड है, और ये पार्ट कैसा है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक। राइट साइड में कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो ये क्या है आपकी, इन्फीरियर वेना केवा, ये लोअर बॉडी पार्ट से, ये क्या है इन्फीरियर वेना केवा, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और ये क्या है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये क्या है, ये सुपीरियर वेना केवा है, अपर बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। और एक पॉइंट है, क्या है कोरोनरी साइनस, क्या है यहीं पे होता है, क्या है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस क्या होता है भाई, अब जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें भी तो रेस्पिरेशन होगा, वहाँ भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, वो कैसे पहुँचेगा एट्रिया में, कोरोनरी साइनस के थ्रू, मतलब तीन जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आ रहा है, कौन से एट्रिया में आ रहा है, राइट साइड के एट्रिया में आ रहा है, ये क्या है राइट एट्रिया, राइट एट्रिया या एट्रियम है ना, तो राइट एट्रियम में आ रहा है तीन जगह से, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा, एक कोरोनरी साइनस से, क्लियर, ठीक। उसके बाद होता क्या है, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो राइट वेंट्रिकल से
राइट वेंट्रिकल से ये देखो गए हैं, क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी है, कैसी है, ब्लू कलर है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये किधर लेके जाएगा, ये जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना। इसके बाद यहाँ से निकलेगी पल्मोनरी वेन और आएगी यहाँ पे, ये देखो ये पल्मोनरी वेन किधर आ रही है, एट्रिया में, आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये देखो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है पल्मोनरी वेन, कैसी है, रेड कलर की है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने कहा ना हमेशा याद रखो, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में या लेफ्ट एट्रिया के बीच में हमेशा मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व रहती है और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व रहती है। अगर देखो शेप कैसा है तो जैसे मर्सिडीज का सिंबल होता है, ध्यान से भाई मर्सिडीज का सिंबल देखा है कि नहीं, कुछ कुछ कैसा है देख लेना अपना ना, इस तरह का कुछ रहता है, कुछ इस तरह का, मतलब तीन कस्प बनते हैं, कैसे तीन कस्प बनते हैं उसमें, इसीलिए उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड, और दो कस्प बनते हैं इसीलिए बाइकस्पिड, है ना। तो तीन कस्प बने इसलिए, और भाई मिट्रल वॉल्व हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, पल्मोनरी वॉल्व की बात हो गई, ठीक। अब देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर का एक आइडिया ले लिया, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट क्या है, इनक्लोज्ड रहता है डबल मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव लेयर से, कैसा, डबल मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव लेयर। अब देखो ध्यान से कैसा है भाई, कुछ ऐसे बना लो, एक आइडिया ले लो, बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, है ना, फिर भी इतनी अच्छी है कि मैं समझा तो दूंगा, ओके समझा तो दूंगा। ये लो भाई ऐसे करके, है ना, इधर क्या है, ये मसल्स हैं, मसल्स के फाइब्रस मसल्स हैं, इनके ऊपर क्या हैं, पैपिलरीज हैं, क्या हैं, पैपिलरीज हैं, ठीक है। तो ठीक भाई, इस तरह से करके हो गया ये ऑरिकल और ये डबल, ठीक। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक, पेरिकार्डियम हो गया, ये सबसे आउटर लेयर है, ये देखो सबसे आउटर लेयर है। अब इसके बीच में कैविटी है जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें जो फ्लूइड है उसको क्या बोलोगे, पेरिकार्डियम फ्लूइड, एक्सक्यूज मी, पेरिकार्डियम फ्लूइड, और जो स्पेस है उसको क्या बोलोगे, पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक। चूंकि कार्डियम की बात हो रही है, पेरिकार्डियम में है, इसीलिए स्पेस है तो पेरिकार्डियल स्पेस, कैविटी है तो पेरिकार्डियल कैविटी, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। इसी फ्लूइड की वजह से हार्ट पे जब कोई ऊपर से दबाता है, नहीं ऐसे मारो तो हार्ट दब जाए, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दूसरा, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जो कैविटी है इसमें क्या है, जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड क्या है, इसमें वियर एंड टियर नहीं होने देता, नहीं तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, राइट। तो ये सारे काम, इनर कवरिंग की बात करें तो जो इनर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं इंडोथीलियम, क्या बोलते हैं, इंडोथीलियम, ओके। और जो बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक। इनकी डिटेल में अभी हम देखते हैं। तो भाई डबल मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव सैक होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, वॉल कंपोज्ड होती है तीन लेयर से, आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, मिडिल होती है मायोकार्डियम, और अंदर की होती है एंडोकार्डियम जो बनी होती है एंडोथीलियल से, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा लेयर्स की बात करें, किसकी बात करते हैं, लेयर्स की बात करते हैं। तो देखते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक, कौन कौन सी लेयर होती हैं, ध्यान से देखते जाओ। ये सारी चीज़ें अभी हम फिगर में भी दिखाएंगे, ओके, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक, ये हो गया भाई, इधर से आपका ये हो गया और लाइक दिस। अब देखो ध्यान से, ये पूरा, ये जो है ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से करके, और एक ये लेयर हो गई। तो एक लेयर, दो लेयर और ये तीसरी लेयर हो गई, ठीक। तो तीन लेयर हैं, तीनों लेयर की हम बात करेंगे, तीनों लेयर अभी हम आपको दिखाएंगे भी इसमें। ये जो पहली लेयर है, ये पूरी की पूरी, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये जो सबसे मोटी लेयर है, इसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, और जो अंदर की लेयर है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक। इतनी बात समझो, एंडोकार्डियम। और जो एंडोकार्डियम होती है ये स्क्वामस एपिथेलियल की बनी होती है, किसकी? स्क्वामस एपिथेलियल की बनी होती है, और इस एंडोथेलियम के कांटेक्ट में होता है, क्या होता है? ब्लड। इसी के कांटेक्ट में होता है ब्लड, ठीक। अब देखो बात करें पेरिकार्डियम की भाई, पेरिकार्डियम में ये जो सबसे बाहर वाली है ये फाइब्रस लेयर होती है। कैसी? फाइब्रस लेयर होती है, दो पार्ट में होती ना, एक फाइब्रस लेयर होती है, दूसरी सीरस लेयर होती है। इसमें क्या है? इसमें है सीरस फ्लूइड, और ये क्या है? ये भी है भाई अपना फ्लूइड भरा हुआ इसमें, और ये क्या है? सीरस लेयर है ना। तो ये सीरस लेयर हो गया, ये सीरस लेयर हो गई। ये सबसे आउटर साइड देखो, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तीन लेयर हो गई। जो पेरिकार्डियम है, फिर दो पार्ट में, जो इसकी पेरिकार्डियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? पेरिकार्डियम को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो एक है आउटर वाली है वो फाइब्रस लेयर है। कैसी? फाइब्रस लेयर है। जो इनर वाली है दैट इज सीरस लेयर। कैसी? सीरस लेयर। अब ये जो सीरस लेयर है ये फिर दो पार्ट में डिवाइड है। देखो ध्यान से समझते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। एक इसमें जो आउटर है इसको बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल लेयर, ठीक। कौन सी बोलते हैं? पैराइटल लेयर। और जो दूसरी है इसको बोलते हैं विसरल लेयर या विसरल पेरिकार्डियम। अब देखो ध्यान से, ये हो गई फाइब्रस, ठीक। ये दोनों कौन सी हैं? ये हैं सीरस वाली। सीरस में कौन सी? ये है पैराइटल। कौन सी? मैंने कहा ना दो पार्ट में है, पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये वाली कौन सी है? ये वाली अंदर वाली है, इसको बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम, ठीक। तो इस तरह से, और ये जो है फ्लूइड, ये शॉक विसरल, जो सीरस फ्लूइड होता है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक। जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो यही फ्लूइड है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो यही फ्लूइड क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मींस फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, हार्ट को किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। तो ये तीन लेयर की बात हो गई भाई, ठीक। देखो फिर देखें क्या पेरिकार्डियम क्या है, सराउंड्स क्या करता है? सराउंडेड एंड प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन, क्या हमेशा जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन का काम। तो जो पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम जो हम अभी बात कर रहे थे, तो ये बना हुआ होता है। देखो ध्यान से, ये हो गया, अब फिगर पे ध्यान दो, ये हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम। कौन सा? फाइब्रस पेरिकार्डियम, ध्यान से, फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना। ये कौन सा? ये मोटा वाला, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक। इसके बाद अंदर का सीरस पेरिकार्डियम, हमने कहा सीरस पेरिकार्डियम भी दो पार्ट में है। पहला पार्ट कौन सा था? पैराइटल पेरिकार्डियम। दूसरा कौन सा था? विसरल
पेरिकार्डियम, है ना। तो पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। अब देखो जो पैराइटल पेरिकार्डियम है, ध्यान से देखो ये वाला पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो ब्लू कलर का है, ये क्या है ब्लू कलर का, ये है फ्लूइड। और ये जो रेड कलर का है, ये क्या है आपका मायोकार्डियम। और ये जो अंदर का है, ये क्या है इंडोकार्डियम, यही है हार्ट वॉल। तो अब देखो ध्यान से, जो आउटर है फाइब्रस पेरिकार्डियम टफ होती है, इन इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जो कि कहाँ तक जाती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसको में क्या है ग्रेट ब्लड वेसल्स इधर रहती हैं, कहाँ तक डायाफ्राम के पास तक, ठीक। ये सबसे आउटर लेयर होती है। डीपर यानी अंदर की लेयर कौन सी है, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम फिर दो पार्ट में, जो हम अभी प्रीवियसली बात किए, आउटर पार्ट को पैराइटल लेयर और इनर पार्ट को विसरल लेयर बोलते हैं। यही जो विसरल लेयर है, इसी को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। यानी अगर हम बात करें हार्ट की, अगर सिर्फ हार्ट वॉल की बात करें, क्लोजर की बात ना करें, तो हार्ट वॉल की अगर आउटर वॉल जो सबसे होगी वो कौन सी होगी, एपिकार्डियम, ठीक। अब हाँ, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये देखो ध्यान से, ये पेरिकार्डियल कैविटी थी जो हमने बताया था, ये फाइब्रस लेयर हो गई, ठीक। और ये ऐसे करके ऐसे था ना भाई, ये फाइब्रस थी, ये कौन सी थी पैराइटल थी, ये कौन सी थी विसरल, और इसके बाद मायोकार्डियल थी, है ना, फिर इंडोथेलियल। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड दिखा रहा है, ये दिस वन भाई, ये पेरिकार्डियल कैविटी है ना, ये क्या है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में क्या रहेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा। अब जैसे हाथ को ऐसे ऐसे करना है, किसी पत्थर पे करो तो ये घिस जाएगा और क्या घाव हो सकता है, लेकिन कहीं बलून फुला के रख दो और उसमें ऐसे ऐसे करो तो क्या चोट लगेगी, बिल्कुल चोट नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल स्पेस में, ये जो ब्लू कलर से ये दिखाया गया हुआ है दिस वन, ये जो फ्लूइड है आपका, ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, किसी तरह का कोई वियर एंड टीयर हार्ट में ना होने पाए, ठीक। यानी कि सीरस पेरिकार्डियम आराम से इसी में हार्ट क्या है मूव कर सकता है, जो रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, ठीक। इतनी बात हो गई भाई, लेयर की इंपॉर्टेंस समझनी जरूरी ना। तो अब अगर हम बात करें बेसिकली कि कौन कौन सा हुआ हार्ट का, क्लोज में अगर हम देखें कट करके, देखो ये वॉल कट करके देखी गई, तो तीन लेयर फिर दिखी हमें पेरिकार्डियम। ध्यान रहे पहले हमने किसकी बात की थी, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम कितने में था, फाइब्रस में था और सीरस में था। सीरस दो में था, पैराइटल था और विसरल था। जो विसरल था उसी को हमने क्या कहा था, उसी को हमने एपिकार्डियम कहा था, ध्यान रखो। तो ये एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम तीन लेयर हो गई, जिसमें से जो मायोकार्डियम है हार्ट वॉल का 95% पोर्शन किसका रहता है, मायोकार्डियम का रहता है। और इंडोकार्डियम इंडोथेलियल लाइनिंग की होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल के बनी होती है, ये हार्ट से क्लोज रहती है, इस यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिगर पे ध्यान दो, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, फिर पैराइटल लेयर बाहर वाली, फिर एपिकार्डियम अंदर वाली। तो एक लेयर ये हो गई भाई, ये हो गई एपिकार्डियम, ठीक। ये हो गई जो रेड वाली है, जो रेड वाली है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, क्या बोलेंगे मायोकार्डियम, ठीक। और जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे इंडोकार्डियम, ठीक। यहीं पे हमारा हार्ट रहता है बेसिकली, यहीं पे हमारा ब्लड रहता है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो हार्ट ऑफ वॉल और किस तरह से प्रोटेक्शन करता है, किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो मायोकार्डियम, देखो एक एक लेयर, ये पेरिकार्डियम की बात कर ली हमने, दूसरी लेयर कौन सी हमारी मायोकार्डियम की थी, ठीक।
अभी तक हम किसकी पेरिकार्डियम की बात कर रहे थे ना, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ जो मायोकार्डियम है यानी बीच वाली लेयर, इसी से थिकनेस, भाई एट्रिया कितना थिक है या वेंट्रिकल कितना थिक है वो किससे पता चलेगा, मायोकार्डियम से। ठीक, तो कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल टिश्यू, याद करो जब हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे एक स्पेशल टाइप की हमारे पास टिश्यूज थे जो हमने पढ़े थे, कार्डियक टिश्यूज, है ना। तो कार्डियक टिश्यूज फाउंड ओनली इन हार्ट, कार्डियक टिश्यू कहाँ थे, केवल हार्ट में, और ये बड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, इनमें कार्डियक फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियस एक या एक से ज़्यादा होता है, ब्रांच होता है, याद करो यही सेम फिगर मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, ये जो फिगर था कार्डियक टिश्यूज का यही सेम फिगर हमने वहाँ पे भी बताया था, राइट। तो इसमें क्या है, सबसे मेन चीज़ होती है इंटरकलेटेड डिस्क, क्या होती है इंटर, ये जो देखो देखो ये इस तरह की ये डिस्क होती है, इंटरकलेटेड डिस्क, इसी की वजह से डार्क बैंड थिक बैंड, इसमें क्या है लाइनिंग, डार्क एंड थिक लाइनिंग होती है, इंटरकलेटेड डिस्क आर ऑब्जर्व, इससे क्या है कंडक्शन सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है, मींस हर किसी को इंटरकलेटेड डिस्क तक अगर मैसेज पहुंच गया तो पूरे हार्ट में मैसेज पहुंच जाएगा। इसमें मायोसिन लाइन, एक्टिंग लाइन, जेड लाइन, ये सारी बातें हमने वहाँ पर डिटेल में कर ली थी, तो वो अगर देख लिया तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, लास्ट में जो इनर लाइनिंग है दैट इज इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम क्या है भाई, ये मायोकार्डियम पे, हार्ट वॉल पे, ठीक, स्मूथ मसल्स पे, इपिथीलियल की बनी हुई होती है, ब्लड कैसे वेसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर फ्लो करेगा, स्मूथली फ्लो करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इंडोकार्डियम, राइट, कंटिन्यूस विद इंडोथीलियल लाइनिंग इन ब्लड वेसल्स। ये देखो ये मायोकार्डियम हो गया और ये हमारा है, दिस इज द इनर लाइनिंग ऑफ इंडोकार्डियम या इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल। तो ये बात हो गई कहे कि लेयर्स की, स्ट्रक्चर की, ओके। अब हम बात करें चैम्बर्स की, चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के चैम्बर्स की बात करेंगे। तो हार्ट की ओरिजिन होती है मीजोडर्मल, कैसी, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, हार्ट में फोर चैम्बर्ड होते हैं, फोर चैम्बर्ड कैसे भाई, ये देखो इस तरह के फोर चैम्बर्ड होते हैं, ये हमारा राइट ऑरिकल, ध्यान रहे हमेशा 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 उल्टा रहेगा, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से ना, जिससे जैसे कि जो रिसीविंग चैम्बर है एट्रिया को क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एट्रिया तक लेके आएगा पूरी बॉडी का, ठीक। और पंपिंग चैम्बर की बात करें या डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर की बात करें तो वो होते हमारे वेंट्रिकल, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, क्योंकि जब भी आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड क्या करेगा, या तो लंग्स में जाएगा मींस अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगा, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या पूरी बॉडी में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ और, एक कन्फ्यूज़न और होता है, ऑरिकल क्या है और एट्रिया क्या है, है ना, ये कन्फ्यूज़न बहुत होता है। जब कभी देखो एट्रिया के ऊपर पाउच टाइप के दो बने हुए होते हैं, कैसे बने होते हैं, पाउच टाइप के, और उनका जो शेप होता है वो कुत्ते के कान के जैसा होता है, कैसा, कुत्ते के कान के जैसा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑरिकल। अगर हम आउटर अपीयरेंस पूरे हार्ट को देखेंगे तो कुत्ते के कान के जैसे, देखो ध्यान से देखो, ये देखो जैसे लगता ना कुत्ते के कान ऐसे खड़े हुए हैं ऐसे करके, ठीक, तो उनको हम बोलते हैं ऑरिकल। लेकिन उसी का जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम कट करेंगे, जब लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन कट करेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पे दिखेगा हमको एट्रिया, क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे हम एट्रिया, ठीक। हार्ट का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो एक एक चैम्बर्स की बात हम करते रहेंगे, हैं। सरफेस ऑफ हार्ट में क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स मतलब लाइक दिस, है ना, इस तरह के ग्रूव्स होते हैं जिनमें क्या ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, ओके, इनको सल्साई या ग्रूव्स बोलते हैं, कंटेन्स कोरोनरी ब्लड वेसल्स, हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, कोरोनरी, कहीं भी हार्ट में ब्लड वेसल की बात की जाए तो हम किसकी बात करेंगे,
कोरोनरी, कोरोनरी हार्ट की, कोरोनरी ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, ठीक। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट के साथ इसमें फैट डिपॉजिट होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। सल्कस मार्क द एक्सटर्नल बाउंड्री बिटवीन द चैम्बर ऑफ हार्ट। अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये दिख रहा है, ये ध्यान से देखो, जहाँ पे मैं ये लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं मसल्स दिख रहे हैं ना, ये मसल्स किसके अंदर हैं? मसल्स ये ग्रूव्स के अंदर, येलो कलर का देखो ये ग्रूव्स दिख रहा है, उसके अंदर क्या है? कोरोनरी मसल्स, ये कोरोनरी वेसल्स हैं कि नहीं भाई? कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है किसमें इंसर्टेड है? ये ग्रूव्स हैं। कभी कभी क्या लगता है, ये ग्रूव्स जो है जिसके अंदर ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स, उनको कोरोनरी ब्लड वेसल बोलेंगे, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सल्कस या ग्रूव्स बोलते हैं। कभी कभी ये क्या लगेगा कि दो चैम्बर्स के बीच में बाउंड्री का काम कर रहा है। ध्यान से देखो, ये देखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री का काम कर रहा है ना, पार्टीशन का काम कर रहा है, ठीक। तो ये होते हैं सल्कस या ग्रूव्स। अब एक एक चैम्बर की बात करें तो सबसे पहले भाई ये मान लिया हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया, ये क्या है, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या आप पढ़ेंगे, हम राइट ऑरिकल की बात करेंगे या राइट एट्रियम की बात करेंगे। तो राइट एट्रियम की जब हम बात करते हैं, इट रिसीव्स, देखो राइट एट्रियम हमने पहले भी कहा कि बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे आ जाएगा? वो आ जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक। राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ एट्रिया की, एक एक चैम्बर की बात करेंगे। तो राइट एट्रियम में तीन जगह से ब्लड आएगा, तीन जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एक सुपीरियर वेना केवा, जो अपर बॉडी पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा ऑरिकल में या एट्रिया में। नीचे की तरफ से इन्फीरियर वेना केवा, कौन सी? एक होगी सुपीरियर वेना केवा, जो अपर बॉडी पार्ट, फिर इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से, और एक कोरोनरी साइनस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? जो मसल ऑफ हार्ट में रेस्पिरेशन होगा वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेंगी, किसमें? राइट एट्रियम। मतलब राइट एट्रियम में तीन जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक। अब दो एट्रियम के बीच में, जो एट्रियम को सेपरेट करे, जो एट्रिया को क्या करे, ये मान लिया एट्रियम हो गया है ना, और ये ऐसे आपका हार्ट हो गया, तो ये एक जो है ये, तो ये जो बीच में है ये दो एट्रिया को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। ये राइट और ये लेफ्ट को सेपरेट कौन कर रहा है? जो बीच में सेप्टम होता है, जैसे हमारी नाक है, एक क्या होती है, एक ये नाक इधर की, एक लेफ्ट एक राइट की होती है, इन दोनों लेफ्ट राइट को सेपरेट कौन करता है? बीच में एक सेप्टम है, ठीक। तो उसी तरह से इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, जो थिन पार्टीशन का काम करता है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में, ठीक। अब एक खास चीज़, और खास चीज़ क्यों, खास चीज़ इसलिए क्योंकि एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन की अगर हम बात करें, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लंग्स डेवलप नहीं होते हैं किसके, फीटस के। एक ओवल डिप्रेशन सा होता है, क्या होता है? ओवल डिप्रेशन होता है सेप्टम में, जो सेप्टम है जो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया को अलग अलग करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो फीटस होता है, यानी बिफोर बर्थ की बात करें हम, बिफोर बर्थ में क्या होता है, बच्चे का लंग्स वर्क नहीं करता है, एल्वोलाइज डेवलप नहीं होती हैं, रहती भी हैं तो वर्क नहीं करती हैं, तो वर्क नहीं करती हैं तो बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिलता है? वो मिलता है मदर से, ठीक। मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है किसको? बिफोर बर्थ फिटस को, ठीक। तो बिफोर बर्थ फिटस को रहता है, इसीलिए उसमें क्या है, जैसे ये देखो, ये क्या है, राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल, यहीं पे बीच में छोटा सा एक होल होता है, क्या होता है? होल होता है, जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं इस होल को? बोलेंगे हम फोसा ओवेलिस, ठीक। अब यही बाद में कहते हैं ना, बाद में जब यूज़ ख़त्म हो जाए, आफ्टर बर्थ,
आफ्टर बर्थ इसी को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। देखो क्वेश्चन ध्यान रखना, बिफोर बर्थ इसको फोसा ओवेलिस बोलेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और इसमें ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है, किसी भी तरह का कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसीलिए सेपरेशन की जरूरत नहीं, लंग्स वर्क नहीं करते हैं, एल्वियोलाइज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई। तो बाद में क्या, अच्छा, ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में चला जाता है आराम से। अच्छा, अब ये किसकी बात हुई, बिफोर बर्थ, ये संटिंग की बात। कभी कभी ये जो डिप्रेशन होता है यानी फोसा ओवेलिस होती है, ये जो होल होता है राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, कभी कभी ये भरता नहीं है। जब नहीं भरता है तो क्या बोलते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, ये छेद पहले से रहता है, राइट, लेकिन आफ्टर बर्थ ये डेवलप हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए जब बच्चे की बर्थ होती है तो ध्यान करो, उसको रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है? रोएगा तो लंग्स डेवलप होंगे। क्यों? अच्छा, रोता क्यों? डर जाता है वो, अचानक से सांस लेता है लंबी, क्योंकि उसके पहले उसका लंग्स से कोई मतलब ही नहीं होता। सबसे पहली बार लंग्स का इस्तेमाल आफ्टर बर्थ होता है, पहली ब्रीथ लेता है आफ्टर बर्थ बच्चा, ठीक। तो ये जो फोसा ओवेलिस है, कई बार क्या होता है, ये ऐसे ही प्रेजेंट रह जाती, मींस ये फिलअप नहीं होती, तो क्या होती है फिर, ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग होने लगती है, रिजल्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ओके, फिर बात करें ब्लड, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, अच्छा हाँ, इसमें क्या है, इसमें जैसे सुपीरियर वेना केवा, देखो इसमें क्या है कि देखो एक वाल्व होती है ट्राइकस्पिड, जो क्या करेगी भाई, ये आपका एट्रिया हो गया, ठीक, ये आपका मान लिया वेंट्रिकल हो गया, ये सेप्टम हो गया, ठीक, ये ऐसे, ये क्या है, ये है हमारा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इतनी चीज क्लियर। अब वेंट्रिकल से वेंट्रिकल का ब्लड पीछे ना जाए, इसके लिए क्या है, यहाँ पे वॉल्व लगी हुई है जिनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ध्यान रखना इसको। अच्छा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड जाएगा किधर, ब्लड जाएगा किस में जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, कहाँ पे, लंग्स में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ब्लड उल्ट, भाई ये जो भाई छाता है, जैसे अगर तूफान चलने लगे तो छाता पलट जाता है, तो अगर तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये भी तो पलट सकती है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ पलट जाएंगी, तो ना पलटें, इसके लिए भी एक प्रोविज़न दिया हुआ है। प्रोविज़न क्या दिया हुआ है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, ये वॉल्व क्या है, फाइब्रस टिश्यूज से, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेंडनी, क्या बोलते हैं, कार्डियक टेंडनी, कार्डियक टेंडनी, इनसे क्या है, ये ब्लड की वॉल्व से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि ये वॉल्व जो है पीछे की तरफ रिवर्स ना जाने पाए। और क्या रहता है भाई, जो सुपीरियर वेना केवा रहता है, ऊपर से अपर बॉडी पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में जाता है, इसकी ओपनिंग ऑब्लिक होती है, इसलिए यहाँ पे किसी वाल्व की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्फीरियर वेना केवा, नीचे लोअर बॉडी पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में डालता है, लेकिन अब वो जो ब्लड राइट ऑरिकल से फिर वापस न चला जाए, उसके लिए यूस्टैचियन वॉल्व रहती है। ध्यान रखना, कौन सी वॉल्व रहती है, यूस्टैचियन वॉल्व। ये देखो, ये वॉल्व बनी हुई है, ये यहाँ पे वॉल्व बनी है, क्योंकि ये इन्फीरियर वेना केवा है, क्या है, इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें डालता है, राइट ऑरिकल में, तो ये ऑरिकल से वापस ना चला जाए लोअर बॉडी में, इसलिए ये यूस्टैचियन वॉल्व रहती है। फिर कोरोनरी साइनस यहीं पे रहता है, कोरोनरी साइनस, ये देखो कोरोनरी साइनस, हार्ट की मसल्स जब रेस्पिरेशन करती हैं तो वो ब्लड डालती हैं इसमें, और वो उल्टा ना चला जाए इसलिए थेबेसियन वॉल्व रहती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हो गई, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यूस्टैचियन वॉल्व हो गई, थेबेसियन वॉल्व हो गई, ठीक। तो ये सारी वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट हैं,
सारी की सारी प्रेजेंट हैं राइट एट्रिया में। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल की बात करें अगर हम, तो राइट वेंट्रिकल कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिजेस, फॉर्म सीरीज ऑफ बंडल्स। राइट वेंट्रिकल्स की बात करें तो इस तरह से ये सेप्टम है ना, और ये हमारा ये वेंट्रिकल हो गया। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें रिजेस होती हैं, इस तरह से रिजेस होती हैं। जो रिजेस हैं फॉर्म होती है, इन्हीं को बोलते हैं ट्यूबरकुली कार्नी। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुले कार्नी। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा टर्मिनोलॉजी इधर उधर हो सकती है ना, मतलब टफ हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ध्यान से देखो तो। ये कप ऑफ ट्राइकस्पिड कनेक्टेड टेंडिनी लाइक कॉर्डियक टेंडिनी। अब इसमें जो है ये देखो, ये ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड की यहाँ पे जो वॉल्व है ये कहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, ये इन्हीं सब में कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक टेंडिनी। इसको क्या बोलोगे? ये जो टेंडिनी है इसको बोलेंगे कार्डियक टेंडिनी, है ना, ये कार्डियक टेंडिनी हो गई। ठीक, विच टर्न आर कनेक्टेड टू कौन सेप ट्यूबरकुली कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। इसी ये जो ट्यूबरकुले कार्नी है, इन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे देखो मसल्स हैं, एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको, है ना, ध्यान से, इन्हीं के ऊपर ऐसे, ये लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मसल्स हैं। इन्हीं मसल से क्या होते हैं हमारे, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कार्डियक टेंडनी से जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि ये उल्टा वापस ना खुले जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक, ब्लड पासेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ठीक, पल्मोनरी भाई जैसे ये हो गया, क्या हो गया, वेंट्रिकल, है ना, ये वेंट्रिकल हो गया, ऐसे ये हमारी वॉल्व हो गई। अब देखो यहाँ से ये जाएगी आर्टरी, किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी, है ना, स्टार्ट में जो फिगर हमने दिखाया था, ये लंग्स में जाएगी। ये क्या करेगी, वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ पे लेके जाएगी, लेके जाएगी लंग्स में। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे एक वॉल्व, नहीं तो मान लिया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये वापस फिर वेंट्रिकल में आ जाए, ठीक, आ सकता है ना, तो ये वापस ना आने पाए, इसीलिए यहाँ पे एक सेमी लूनर वॉल्व रहती। कौन सी? सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट रहती है। ठीक, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड टू लेफ्ट एंड राइट, ये बाद में आगे जाके लेफ्ट और राइट ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती कहाँ पे, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस। ये अकेली ऐसी आर्टरी है, अकेली ऐसी पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है।